कांग्रेस के लिए लगातार हर तरफ मुश्किलें बढ़ती जा रही, चाहे वो केंद्र सरकार हो या किसी अन्य राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो, कांग्रेस के लिए लगातार मुश्किलों का दौर जारी है और इसमें राहुल गांधी कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसी क्रम में जल्द तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी दरार की उम्मीद जताई जा रही। कहा जा रहा कि कांग्रेस में जल्द कोई बड़ी दरार पड़ सकती है और कई विधायक पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। दरअसल जल्द तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी लगातार तेलंगाना में कई रैलियां कर रही है, जबकि कांग्रेस में दरार पड़ने की पूरी खबर सामने आ रही। एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के कई विधायक जल्द अपनी पार्टी को अलविदा कहकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बाद तेलंगाना के कांग्रेस प्रत्यक्ष ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगा है। कहा जा रहा कि कांग्रेस के एक विधायक गोपाल रेड्डी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के काम करने से काफी नाराज हैं, जिस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। दरअसल गोपाल रेड्डी का कहना है कि पार्टी ने अब कांग्रेस वफादारों को तवज्जो देने के बजाय बाहरी लोगों पर भरोसा जताना शुरू कर दिया है, जिस वजह से अब वो जल्द कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। बता दें गोपाल रेड्डी के भाई भोंगीर भी लोकसभा सांसद हैं और पार्टी को अब इसी बात का डर सताने लगा है कि कहीं गोपाल रेड्डी के जाने से कांग्रेस सांसद भी नाराज होकर पार्टी छोड़ ना दे। बहरहाल जिस तरह से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उस तरह से ये तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आखिरकार कांग्रेस क्या रंग दिखाती है।